नमस्कार दोस्तों, गौरव पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, छतरपुर शहर में तीन पहाड़ियों पर हनुमान जी महाराज के प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं। पूर्वी भाग में अनगर की टोरिया, पश्चिमी भाग में हनुमान टोरिया और उत्तरी भाग में शहर के जानराय टोरिया का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, आज हम आपको लाए हुए हैं छतरपुर शहर के पूर्वी भाग में स्थित अनगर की टोरिया के मंदिर के दर्शन कराने के लिए। आप देख सकते हैं कितना सुंदर अच्छा नज़ारा, हम टोरिया पर आ चुके हैं और ठीक सामने हनुमान जी महाराज का मंदिर स्थित है। तो चलते हैं, हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ आशीष जी अग्रवाल आए हुए हैं, जो हमेशा जब भी छतरपुर आते हैं सतना से, तो यहाँ पर अनगर की टोरिया जरूर आते हैं। तो उनके साथ हम आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर का नज़ारा, घंटियाँ बंधी हुई हैं। आपको सबसे पहले हनुमान जी महाराज के मंदिर के शिखर के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, शिखर के दर्शन हमने आपको करा दिए हैं और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि हनुमान जी महाराज पंचमुखी स्थित हैं और विराजे हैं प्रभु के चरणों में साष्टांग नमन। कितनी सुंदर अहोभाग्य हमारे कि हमको आप जो मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। दोस्तों, यहाँ के पंडित जी का कहना है कि यह मंदिर राजाओं के ज़माने का यह मंदिर है, जहाँ पर हनुमान जी महाराज विराजे हैं। अनगर की टोरिया इसका नाम है। अनगर मतलब जिसको किसी ने गड़ा ना हो, इसलिए इस मंदिर का नाम अनगर की टोरिया पड़ा हुआ है। दोस्तों, आप सुंदर भगवान जी की मूर्ति के दर्शन कीजिएगा। यहाँ पर आपको हम आगे ले चलते हैं और यहाँ के रहस्य के बारे में बताते हैं। कहा जाता है यहाँ पर एक गुफा है जहाँ पर सिद्ध बाबा विराजे हैं। यह लगभग 3000 साल पुराना यह गुफा है और यहाँ पर सिद्ध बाबा विराजे में है और हनुमान जी महाराज के ठीक बाजू में राम दरबार स्थित है। रामलला विराजे हैं। रामलला के दर्शन करने के ठीक आगे हम चलते हैं और सिद्ध बाबा के आपको दर्शन कराते हैं। यह सिद्ध बाबा की टीक है, आप देखिएगा, परिक्रमा हम लगाते हैं सिद्ध बाबा के और आपको सिद्ध बाबा की गुफा दिखाते हैं, जो यहाँ के महंत जी के अनुसार लगभग 3000 पुरानी यह गुफा है। सामने आप देख सकते हैं सिद्ध बाबा विराजे हैं, जो नांग रूप में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने दर्शन किए। आप जब भी छतरपुर में रहते हैं या छतरपुर आते हैं, तो बिल्कुल आप छतरपुर शहर के जो पूर्वी भाग में अनगढ़ की टोरिया स्थित है, यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी प्रकार के ब्लॉग देखते रहना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पर। अगर आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है, तो नीचे दिए लाल बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें। इसी आशा के साथ आप सभी को सादर वंदे मातरम।